अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, शुक्रिया अल्लाह का। तो आज मैं बना रही हूँ सूप, और बहुत ईजी तरीके से बनता है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरा इंस्टेंट पॉट है, मैं इसमें ईजिली बना लेती हूँ। तो देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। ये चिकन स्टॉक है जो मैं बना लेती हूँ, घर में और रख लेती हूँ, क्योंकि ईजी होता है फिर सूप बनाने में। तो ये मैंने डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी हमें चाहिए, थोड़ा सा पानी भी डाल लेते हैं। इसको कलंगर कहते हैं, ये भी जिंजर है, आप लोग अपने उसमें जिंजर डाल सकते हैं, मैं ये डाल रही हूँ। और लहसुन है, लेमन पत्ता है, ईजिली मिल जाता है, सबके घरों में होता है। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ, ढकना रखती हूँ। ये लेमन ग्रास है, और ये मेरे घर का, मैंने खुद इसको बाहर उगाया हुआ है, तो ये घर का है। इसको इस तरह मैश करने से इसमें थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। मैं अभी डाल लेती हूँ ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास है चिकन सॉसेज, और ये हलाल है, मैं हलाल स्टोर से ख़रीद के लाई हूँ। तो इसको हम दो हिस्सों में काट लेंगे। और ये है फिश बॉल, आप लोग बीफ बॉल भी डाल सकते हैं, चिकन बॉल भी डाल सकते हैं, और कुछ श्रिम है, तो ये जाएगी साथ। जब तक बॉयल आता है, तो आप लोगों के साथ मैं एक टिप शेयर करती हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी मेन वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। पहले मुझसे बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, तो ये अभी फ्रोज़न है, और आप लोग देख सकते हैं कि कितना मज़े का फ्रेश है। स्प्रिंग ऑनियंस है जो मैंने फ्रोज़न करके अभी मैं सूप में यूज़ करूँगी, और ये ब्रॉकली है, तो आप लोग देख सकते हैं कितना मतलब फ्रेश दिख रहा है। तो इस तरह आप लोग की सब चीज़ें फ्रोज़न करके और रख सकते हैं, जब भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बॉयल आ गया, और हम अभी इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जल्दी बॉयल आ गया। इसमें हम ये सारा चिकन सॉसेज मैंने ऐड कर दिए, और ये फिश बॉल, और श्रिम थोड़ी देर बाद हम ऐड करेंगे। स्मेल इतना मज़े का है कि मैं बता नहीं सकती। ये लेमन ग्रास जब इसमें गया है तो इतना मज़े का स्मेल आ रहा है इसमें। तो दो मिनट तकरीबन गुजर गए, और हम अभी इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये श्रिम, और ये ब्रॉकली है, तो इसको थोड़ा दो तीन मिनट के लिए इसको हम रख देते हैं। ठीक है, तकरीबन हो गया, और इसमें आप स्प्रिंग ऑनियन में ऐड करेंगे। तो तकरीबन हमारा सूप तैयार है, और ये है देसी स्टाइल ताई सी फूड सूप। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा विंटर भी आ गया, तो सूप खाने को बहुत दिल होता है कि इंसान फ्रेश सूप बनाए और पिए। मैं अपने लिए थोड़ा सा प्लान निकालती हूँ, और बाकी के लिए मैं उसमें अपने बेटे के लिए नूडल्स ऐड करूँगी। तो
इसमें नूडल्स मैंने बेटी के लिए डाल दिए तो वो इस 2 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगा। मेरे बेटे को थोड़ा सा नमक थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है तो मैं तो इसके लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। सूप उनका तकरीबन तैयार हो चुका है। मेरा इंस्टेंट पॉट देसी स्टाइल थाई सी फूड सूप तैयार हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइए कि आप जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो ऑप्शनल है, जो भी आप लोग डाल सकते हैं घर में जो भी है, तो इजीली बनने वाला सूप और बहुत सिंपल और बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका। तो ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइए और अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं कर वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।